हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज देखिए मैं ये बहुत ही आसान जाली वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन जो है बहुत ही आसान है बनाना। सिर्फ 8 रोज़ में हम यहाँ पे इसे बनाएंगे। सिर्फ 8 रोज़ का ये रिपीट पैटर्न है। फ्रंट साइड से इसे हम बनाना शुरू करेंगे। रो वन हमारी फ्रंट साइड पे होगी, लास्ट रो रॉन्ग साइड पे होगी, 8th रो। और इसकी रॉन्ग साइड जो है वो इस तरह से बनेगी और सारी की सारी सिलाइयाँ जो है हम रॉन्ग साइड पे उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करेंगे। तो फंदे देखिए हमने इसके लिए कितने लेने हैं। ये है 6 फंदों का डिज़ाइन और 6 के मल्टीपल में हमने फंदे ले लेने हैं, 6 प्लस 6 प्लस इस तरह से। और लास्ट में 2 फंदे और बनाएंगे एजेस पे। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करेंगे। इस पैटर्न को बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे ये मैं 3 बार बनाने जा रही हूँ, इसलिए 6 के मल्टीपल में 18 फंदे और उसके बाद 2 फंदे एजेस के लिए लिए हैं। तो टोटल ये 20 फंदे हैं। इस पे ये बनाना मैं शुरू कर रही हूँ। तो इसके लिए देखिए आप इस डिज़ाइन को बनाने से पहले बॉर्डर बना लीजिए, उसके बाद फ्रंट साइड पे देखिए हम इस पैटर्न को शुरू करेंगे। तो रो वन जब हम बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए रो वन पहला फंदा एज स्टिच जो है इसे हम करेंगे स्लिप, उसके बाद एक डालेंगे हम ऐसे जाली, तो धागा आगे करके यहाँ पे जाली डालेंगे। और उसके बाद 2 फंदे हमने करने हैं ऐसे स्लिप सिलाई पर और वापस इन्हें इस तरह से सिलाई पर घुमा के ले लेंगे और बैक लूप से दोनों को साथ में बुन देंगे। 2 का 1 यहाँ पे ऐसे कर देंगे। इसके बाद 2 फंदे हम बुनेंगे सीधे ऐसे, उसके बाद 2 का 1 करेंगे हम फ्रंट लूप से ऐसे, उसके बाद डालेंगे एक जाली जैसे शुरू में डाली। तो ये देखिए यहाँ ऐसे कुछ छोड़ देंगे, तो ये 6 फंदे हमारे इस तरीके से बनते हैं। तो ये अब हमने जो है 6 फंदे जैसे ये बनाए हैं इन्हें रिपीट करते जाना है रो वन पे। तो देखिए पहले जाली डालेंगे, तो यहाँ पे हम फिर से एक बार ऐसे करेंगे, जाली डालेंगे 2 का 1 करेंगे ऐसे, उसके बाद 2 फंदे सीधे, दो का एक यहाँ पे ऐसे, एक जाली। अब लास्ट में एक और बार कर लेते हैं, एक जाली डाल लेंगे, उसके बाद 2 का 1 ऐसे बैक लूप से, फिर 2 फंदे हम बुनेंगे सीधे और 2 का 1 ऐसे फ्रंट लूप से, उसके बाद जाली डालेंगे। तो ये 6 फंदे जो है 2 बार रिपीट भी कर लिए हैं, 3 बार ये डिज़ाइन यहाँ पे बना है। लास्ट में ऐसे हमने सीधा बुन लेना है। इसके बाद देखिए रॉन्ग साइड पे हमने किस तरह से करना है। फंदे तो हमने सभी उल्टे उल्टे बुनने हैं, लेकिन जहाँ पे 2 जाली वाले फंदे आते हैं वहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। तो इसके लिए रो 2 पहला फंदा कर लेंगे स्लिप, पहला फंदा देखिए जाली वाला है, इसे तो हम ऐसे बुन लेंगे उल्टा। फिर उसके बाद देखिए 4 फंदे हमारे उल्टे उल्टे हैं, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे। अब देखिए यहाँ पे 2 जाली वाले फंदे हैं, तो पहला वाला फंदा हम ऐसे बुन लेंगे उल्टा, इसे छोड़ देंगे। अब एक और फंदा है देखिए, तो दूसरा वाला जो है हम इस तरीके से सिलाई डालते हुए उल्टा बुन लेंगे। अगर हम दोनों को एक ही तरीके से बुनेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ी जाली बन जाएगी। तो उसके बाद जो फंदा आप उल्टा नज़र आ रहा है उल्टा बनाते जाएंगे। जाली वाले फंदे जहाँ पे डबल हैं उसे मैंने आपको बता दिया है कैसे बनाना है। देखिए एक बार और बता देती हूँ, पहला फंदा हम ऐसे बना लेंगे और दूसरा ऐसे जहाँ पे सिंगल जाली वाला फंदा है वहाँ पे देखिए इस तरीके से सिलाई डाल के ऐसे बना लीजिए। लास्ट में ऐसे हम बुन लेंगे उल्टा। तो ये रो 2 हम ऐसे बनाएंगे और रो 3 देखिए पहला फंदा स्लिप एज स्टिच। अब देखिए एक फंदा जो जाली से बना है इसे बुन लेंगे हम सीधा, यहाँ डालेंगे एक जाली, इसके बाद 2 फंदे स्लिप करेंगे घुमा के बैक लूप से 2 का 1 ऐसे कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे भी 2 फंदों को हम ऐसे साथ में बुन लेंगे,
यहाँ डालेंगे एक जाली और एक फंदा बुनेंगे सीधा। तो ये पहला फंदा छोड़ दीजिए, ये 6 फंदे हमने रिपीट करने हैं। अब एक फंदा सीधा, एक जाली, दो का करेंगे ऐसे एक, और फिर से दो का एक करेंगे यहाँ पे फ्रंट लूप से। एक जाली, एक फंदा सीधा, एक और बार यहाँ पे बना लेंगे इन्हीं 6 फंदों को। एक सीधा, एक जाली, दो फंदे स्लिप घुमा के बैक लूप से, दो का एक, ये फ्रंट लूप से दो का एक, जाली, एक फंदा सीधा, लास्ट में एस एच भी हम सीधा बुन लेंगे ऐसे। तो अब जो है हम रॉन्ग साइड पे रो 4 बना लेंगे। सारे के सारे फंदे जो है हमने उल्टे उल्टे बुनने हैं। इसमें देखिए इस वाली सिलाई में जो है हमारे डबल जाली वाले फंदे नहीं आते हैं, सिंगल जाली वाले फंदे आते हैं, वो हमने उसी तरीके से सिलाई डालते हुए जो है वो उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। और ये हम रो 4 जो है सारे फंदे इस तरीके से उल्टे उल्टे बुन के कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे रो 5 फ्रंट साइड पे आके। अब देखिए क्या करेंगे हमने, ये तो एस स्टिच कर लेंगे हम स्लिप। उसके बाद अब देखिए हमने क्या करना है, अब यहाँ पे एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा, उसके बाद दो का एक करेंगे हम ऐसे, और फिर दो का एक करेंगे ऐसे। ये इसके बीच में जो है हमने दो जाली वाले फंदे डालने हैं। तो ये दो का एक हमने किया जब, उसके बाद दो जाली वाले फंदे यहाँ पे पड़ेंगे, और उसके बाद ये दोनों फंदे स्लिप करके घुमा के जो है हमने यहाँ पे ऐसे इकट्ठा बना लेने हैं। उसके बाद एक फंदा सीधा। तो ये देखिए हमने 6 फंदे जैसे बुने हैं, एक सीधा बुना, फिर दो का एक किया, फिर दो जाली, फिर दो का एक, फिर एक फंदा सीधा। तो ये 6 फंदे जैसे बनाए हैं, यही हमने 5th रो पर रिपीट करते जाना है। तो देखिए क्या किया था हमने, एक फंदा सीधा, दो का एक, जाली, एक और जाली, दो का एक, ऐसे एक फंदा सीधा। अब यहाँ पे एक और बार कर लेंगे, एक फंदा सीधा, दो का एक, जाली, एक और जाली, और दो का एक, ऐसे एक फंदा सीधा, और एज स्टिच भी हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी जो है रो 5th ऐसे बनेगी। तो रो 6 देखिए, पहला फंदा स्लिप, उसके बाद सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, लेकिन यहाँ पे जो है डबल जाली वाले फंदे भी हैं। तो देखिए शुरू में 2 फंदे हमने उल्टे बुने, फिर एक जाली वाला फंदा हमने ऐसे बुन लिया, फिर यहाँ पे दूसरा जाली वाला फंदा ऐसे बुन लिया। उसके बाद 4 फंदे फिर उल्टे आएंगे, उसके बाद जाली वाले 2 फंदे हैं, पहला वाला ऐसे और दूसरा वाला ऐसे उल्टा बुन लेना है। तो ये हमने अब पूरी रो 6 रॉन्ग साइड पे करते जाना है इस तरह से। लास्ट में 3 फंदे उल्टे। तो अब हम 7th रो बनाएंगे। देखिए इसके लिए पहला फंदा कर लेंगे स्लिप, उसके बाद अब देखिए हमने 6 फंदे किस तरीके से बनाने हैं। शुरू में हम 2 का 1 ऐसे कर लेंगे यहाँ पे, इसके बाद यहाँ डालेंगे एक जाली ऐसे, और 2 फंदे सीधे बुनेंगे जो जाली से बने हैं ऐसे। इसके बाद यहाँ डालेंगे जाली और 2 फंदों को इकट्ठा ऐसे बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे। तो ये 6 फंदे हमने जैसे बुने हैं वैसे ही रिपीट करते जाएंगे। तो देखिए क्या किया हमने, पहले 2 का 1 फ्रंट लूप से ऐसे किया, फिर एक जाली डाली, 2 फंदे सीधे बुने, फिर एक जाली, फिर 2 का 1,
अब रिपीट करेंगे एक और बार। यहाँ पे दो का एक, एक जाली, दो फंदे सीधे, जाली दो का एक, और लास्ट में हमारे पास एस स्टिच सीधा से बुन लेंगे। तो ये हमने सेवन थ्रो ऐसे बनानी है। और देखिए इसके बाद ये एक बार ये डिज़ाइन बन जाता है। एट थ्रो हमने पूरी की पूरी उल्टी बना लेनी है। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद सारी की सारी सिलाई हम ऐसे उल्टी उल्टी बुन लेंगे। इसके बाद हमने यही 8 रोज को रिपीट करते जाना है। तो रो 1 से रो 8 हम रिपीट करते जाएंगे। और ये जो डिज़ाइन बनता है ये बहुत ही सुंदर बनता है। तो इस डिज़ाइन को हम लेडीज़ कार्डिगन्स में डाल सकते हैं, बेबी सेट्स फ्रॉक्स में डाल सकते हैं, पुलओवर्स बना सकते हैं, शॉल्स मफलर्स में डाल सकते हैं। तो बहुत अच्छा डिज़ाइन है। जिन लोगों को जाली पसंद है, जाली वाले प्रोजेक्ट्स पसंद हैं, उनके लिए परफेक्ट डिज़ाइन है। तो ज़रूर बनाइएगा इसे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।